80 को लेकर बीजेपी का प्लान तैयार, फेरी वाले और डिलीवरी मैन को पार्टी से जोड़ने की तैयारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी का प्लान तैयार, फेरी वाले और डिलीवरी मैन को पार्टी से जोड़ने की तैयारी। संगठन को पूरी तरीके से एक्टिव करने के निर्देश दिए गए। संगठन महामंत्री पीएल संतोष ने बैठक की। मिशन 2024 में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है और संगठन महामंत्री पीएल संतोष ने बैठक की। इस बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर जिक्र किया गया। कार्यकर्ता जनता के बीच जाने के निर्देश दिए गए कि कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाना है और सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में जनता से डिस्कस करें, जनता को बताएं और संगठन को पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया जाए। तो मिशन 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी अपने जो उनका नियमित प्रवास है उस प्रवास के तहत आज लखनऊ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जो पार्टी के नियमित चलने वाले कार्यक्रम अभियान उनकी समीक्षा की है और आगामी दृष्टि से हमें क्या क्या करना है उनके दिशा निर्देश उन्होंने दिए। बीएल संतोष की प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त मेरे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह जी हैं। सर, जो बैठक आज चल रही है, चूंकि माना जाए लोकसभा एजेंडा है, फिर भी क्या कुछ खास रहा बैठक? बैठक अच्छी रही, आदरणीय संतोष जी का मार्गदर्शन मिला और कैसे 24 में संगठन हमारा गतिशील रहते हुए सामाजिक और सेवा के जो काम है उसको और बेहतर तरीके से हम सब लोग कैसे करते हुए आगे बढ़े, यह उनका मार्गदर्शन था। और जो पहले पुराने जो हमारे जो अभी तक कार्यक्रम थे उसकी समीक्षा करते हुए उन्होंने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बहुत सराहना भी की, पूरे नेतृत्व की सराहना भी की है, प्रशंसा भी की है, यूपी काफी अच्छा कर रहा है और तो ये सारी बातें आई। क्या संगठन को बूस्टअप करने की बात? नहीं, एकदम ऑलरेडी बूस्टअप हमारा संगठन है, एक एक कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है। मोदी जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करें, हमारा देश पूरे विश्व का नेतृत्व करे, हमारा पूरा संगठन के कार्यकर्ता सब तैयार है। तो मेरे साथ थे प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह जो इस बैठक में मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है उस बैठक में एक तरीके से बीएल संतोष के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया गया है कि जो मिशन 80 का लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है उस लक्ष्य को कैसे बीजेपी हासिल कर सकती है। हालांकि सूत्रों से ये जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक में बीएल संतोष ने कहीं ना कहीं प्रदेश पदाधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि जो संगठन का काडर है और जो पुराने कार्यकर्ता हैं, चाहे हम कार्य समिति के सदस्यों की बात करें या फिर जो जिला लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जो उनके विचार हैं, जो उनका फीडबैक है, टू वे में उनसे उनके विचारों को उस फीडबैक का आदान प्रदान किया जाए ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी उसका लाभ ले सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। बिजनौर में कोटावली